दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं सह आयोजक स्पार्टन स्पोर्ट्स फाइटर और रोटरी क्लब जालंधर द्वारा तनाव प्रबंधन पर जालंधर के एक निजी होटल में भव्य स्तर पर आओ दें स्ट्रेस करें के नाम से एक ड्राइव लॉन्च की गई। इस अभियान की जानकारी देते हुए स्वामी विश्वानंद जी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य समाज को तनाव के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व कैशियर अरुण सिंह धूमल, जबकि विक्टर टूल के अश्विनी कुमार विक्टर, स्पार्टन स्पोर्ट्स फाइटर के कुणाल शर्मा, इनोसेंट हार्ट ग्रुप्स के चेयरमैन अनूप बोरी, सेंट्रल अस्पताल से डॉक्टर यश शर्मा, सुपर क्रीमिका से अशोक भंडारी, सॉलिटियर से नितिन जैन और ऑस्ट्रेलिया से स्टीवन विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान सांध्वी कमल भारती ने उपस्थित जन समूह को तनाव के प्रति संबोधित करते हुए कहा कि तनाव अच्छा या फिर बुरा नहीं होता, ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे चुनौती के रूप में लेते हैं या प्रेरणा के रूप में। उन्होंने कहा कि परेशानी तब बढ़ती है जब हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है और हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, तब ये क्रोनिक तनाव का रूप ले लेती है जो आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बनती है। इस दौरान उन्होंने तनाव को दूर करने के बहुत से टिप्स भी दिए। इस मौके पर स्वामी सज्जनानंद ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अरुण सिंह धूमल और सभी विशेष अतिथियों द्वारा इस अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। देखिए, आलू और पानी, इन दोनों को गर्मी कहां से मिली? आलू को पानी से और पानी को किससे मिली? आग से। आफ्टर सम टाइम सर ने कहा, मैंने नहीं कहा, सर ने कहा कि आफ्टर सम टाइम आलू भी ठंडा हो जाएगा और पानी भी ठंडा हो जाएगा, सर राइट ना? ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आलू का स्वभाव गर्मी नहीं है। क्यों नहीं है? आलू का स्वभाव गर्मी नहीं है। और ऐसे ही इस बॉइल्ड वाटर का, इस पानी का स्वभाव क्या है? सर पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता, शांति, ये पानी का स्वभाव है। इसीलिए पानी भी इस गुण को जो इसने एक्वायर्ड किया है उसमें ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सर यू मे प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू सो मच। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर, प्लीज टेक योर सीट। ओके, थैंक यू। इंसान का जो व्यक्तित्व है उसका इंट्रिंसिक गुण है वो पीस है, ब्लिस है, आनंद है, आनंद का स्रोत है व्यक्ति। लेकिन हमने, वो कहते ना, सारा दिन बाहर 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 बाहर, हम कभी अंदर जाते ही नहीं है, हम अपने उस बिहेवियर में रीएस्टैब्लिश होते ही नहीं है। एंड दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम विद दिस। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी रीएस्टैब्लिश इन आवर इंट्रिंसिक बिहेवियर? डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, देयर इज वन एंड ओनली वन टेक्निक एंड दैट इज द सुप्रीम साइंस ऑफ ब्रह्म ज्ञान विच कैन रीएस्टैब्लिश यू इन योर इंट्रिंसिक क्वालिटी, in your intrinsic behavior. Because these tips which you can find on Google, which you can find on YouTube, can only teach you to manage stress. It only helps you to manage stress, but the eternal science of Brahma Gyan is the ultimate method that helps you to not only manage, but His Holiness say with this technique you can eradicate, you can totally eradicate stress from your life. बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने स्वागत किया, सम्मान दिया उसके लिए। और इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य, मैं आईपीएल चेयरमैन हूं या बीसीसीआई से जुड़ा हूं, ये नहीं है। पिछले 21 सालों से मैं जालंधर में स्कूल चलाता हूं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ये जो विषय है ये पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मैं आज यहाँ पर ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, ज्ञान लेने आया हूँ और आप सबसे सीख रहे हैं। स्वामी विश्वनाथ जी ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात की, डॉक्टर कमल भारती जी ने बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा की, गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस की, डॉक्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मेरे साथ डॉक्टर अनूप बोरी बैठे हुए थे, आयशनी जी बैठे हुए थे, उनसे भी चर्चा हो रही थी। मूलतः बात इस बात से शुरू हुई कि जो भी बच्चा यहाँ पर होता है वही एक
प्राणी है जिसको कोई स्ट्रेस नहीं होती, और वो बच्चा फिर हमारे जैसों के पास आता है स्कूल में, 2.5 साल से डॉक्टर साहब भी चला रहे, मैं भी चला रहा हूँ, जैसे जैसे वो आगे चलता जाता है उसकी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ती जाती है। इसका क्या कारण है? मैं मानता हूँ उसको ट्रेनिंग तो ऐसी होनी चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से सीख सके और उन चुनौतियों का सामना कर सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये होता नहीं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उतना उतना प्रेशर बनता है, और जिस सक्सेस की बात की, नौकरी की बात की, चाहे स्ट्रेस लीजिए, एंजाइटी लीजिए, डिप्रेशन लीजिए, जो समाज में सबसे ऊपर तबके में इकोनॉमिकली होगा उसको सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे नीचे होगा उसको सबसे कम होगा। देखिए आज का कार्यक्रम, जैसे आप सब जानते हैं कि आउट डिस्ट्रेस करें, आज का बर्निंग इशू है आजकल का जो युवा पीढ़ी के साथ, हम सभी के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर जो चुनौतियां आ रही हैं उसको लेकर एक बड़ी अच्छी ड्राइव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने शुरू की है, और मैं तो आभार प्रकट करने आया हूँ कि इस इशू की इम्पोर्टेंस को जानते हुए उन्होंने ड्राइव शुरू की है, जिससे विभिन्न संस्थानों को जोड़ेंगे, और न केवल जालंधर तक, अन्य शहरों में और अन्य देश के हिस्सों में भी इसको लेके जाएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं की असीम अनुकंपा से आज जालंधर में आओ डी स्ट्रेस करें एक ड्राइव कैंपेन प्रारंभ की गई है। आज उसका एक इनॉग्रेशन सेरेमनी था, और इसके बाद ये जो ड्राइव है वो विभिन्न शहरों में और विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में, ना केवल जालंधर और अन्य शहरों में भी जाएगी। और संस्थान का ये प्रयास रहता है, क्योंकि सोशल, स्पिरिचुअल और कल्चरल तीनों एस्पेक्ट पे संस्थान काम करती है, तो अध्यात्म के साथ साथ इसका निवारण भी जो होगा चिंता का, तनाव का, अवसाद का, वो दिया जाएगा। ये स्ट्रेस का एक कोर बिंदु है।